आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए आप सभी बूथ अध्यक्षों व बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। उक्त शब्द अपने कार्यालय में आयोजित नगर के बूथ अध्यक्षों व बूथ समितियों की एक बैठक के दौरान विजय पाल सिंह एडवोकेट ने कहे। उन्होंने कहा कि बेशक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, मगर भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर देश की 125 करोड़ जनता इस जीत की खुशी में शामिल है। उन्होंने बूथ अध्यक्षों से चुनाव के दौरान अनुभव जाने व कार्यकर्ताओं को बूथ पर कार्य करते हुए किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस विषय पर भी काफी देर तक चर्चा की गई। विजय पाल सिंह ने कहा कि भविष्य में प्रयास रहेगा किसी भी कार्यकर्ता को कार्य करते हुए परेशानी का सामना न करना पड़े, इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में आप सबकी मेहनत से सफेदों विधानसभा में जबरदस्त बढ़त मिली, इसी प्रकार आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी सभी कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए। आप सबकी मेहनत व जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। विजय पाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी 1 जून को होने वाली धन्यवाद बैठक का भी निमंत्रण दिया, जो कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद रमेश कौशिक की सफीदों क्षेत्र से प्रचंड जीत के संदर्भ में स्थानीय सैनी धर्मशाला में रखी गई है, जिसमें सांसद रमेश कौशिक सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। इस अवसर पर हरीश शर्मा, सुरेंद्र जैन, रवि थनई, अखिल गुप्ता, रोहित गुंबर, जैरी तुसामन, प्रवीण सैनी, विवेक भाटिया, अंकित सहल, सुनील लडवाल, कुणाल कश्यप, अनित वाल्मीकि, वेद प्रकाश नंदवानी, विशाल गुप्ता, विकास सैनी, हरिंदर चड्ढा, कपिल मेहता, प्रिंस मुद्गिल, रामवीर सतीश सैनी आदि कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। कंचन टीवी के लिए सफीदों से सतीश मंगला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।